एक बार लोग पास किया थी पहले उसकी बहाली हो, पहले क्यों कहते थे कि सातवां चरण करेंगे, तो इनको करना नहीं है। 15 अगस्त को खुलेआम मंच से कहे कि नहीं 10 लाख रोजगार भी यानी 20 लाख देना कुछ नहीं है। एक बार परीक्षा में लोग पास कर गया पहले उसको आप दीजिए नौकरी। कुमार जी और राहुल जी, तेजस्वी जी, ये लोग नरेंद्र मोदी जी के सुनामी में नर्वस हो चुके हैं। इन लोगों से अब बिहार का कोई भला नहीं होने वाला है। आने दीजिए समय, सारे समस्याओं का समाधान करेगी भारतीय जनता पार्टी। इस बार परीक्षा जो पास किया पहले उसको नौकरी दीजिए, फिर आपको जैसे करना है कीजिए। छात्र नौजवान और बिहार के शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता की बात हो तब तो ठीक है, लेकिन यहाँ मनसा है कि ठगो, क्योंकि सब ठग है। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशफील रस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल, एशफील लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। बिहार के लगातार शिक्षक अभ्यर्थी परेशान चल रहे हैं नई नियमावली को लेकर। देखिए, नई नियमावली बीते दिनों कहीं ना कहीं पास हो गई है और इसको देखते हुए अभ्यर्थी कई सारे गंभीर आरोप लगा रहे हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पटना की सड़कों पर आंदोलन भी कर रहे हैं। हमारे साथ है हरिभूषण ठाकुर बचौल हैं, बीजेपी से विधायक है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। सर, शिक्षक अभ्यर्थी नई नियमावली का विरोध कर रहे हैं, क्या कहिएगा? निश्चित रूप से एक बार लोग पास किया थी पहले उसकी बहाली हो, पहले क्यों कहते थे कि सातवां चरण करेंगे तो इनको करना नहीं है। पहले कैबिनेट में कहते थे 10 लाख, तो हम लोग के मिथिलांचल में कहावत है कि परसिची गप तो दियो लप के लप। उसके बाद 15 अगस्त को खुलेआम मंच से कहे कि नहीं 10 लाख रोजगार भी यानी 20 लाख देना कुछ नहीं है। एक बार परीक्षा में लोग पास कर गया पहले उसको आप दीजिए नौकरी, फिर एक नई नियमावली बना दिए। लोगों के रोजगार से, विकास से कुछ लेना देना नहीं है। फिर एक तीसरे मुद्दे को लेकर के दिल्ली जा रहे हैं नीतीश कुमार जी और राहुल जी, तेजस्वी जी, ये लोग नरेंद्र मोदी जी के सुनामी में नर्वस हो चुके हैं। इन लोगों से अब बिहार का कोई भला नहीं होने वाला है। आने दीजिए समय, सारे समस्याओं का समाधान करेगी भारतीय जनता पार्टी। समय का इंतजार है। सर, देखा जाए तो 4 साल तक अभ्यर्थियों को रोका गया, बहाली को रोका गया, और उसके बाद जिस तरीके से नई नियमावली आई है उसमें कहा गया है कि फिर से एग्जाम देना होगा, परीक्षा देना होगा, वो भी परीक्षा जो होगा बीपीएससी के द्वारा। देखिए, उन छात्रों का और उन अभ्यर्थियों का दर्द हम लोग समझते हैं। इसी तरह हुआ था एक बार जो हम लोग जीत गए थे, अब 12 बजे रात में विधानसभा भंग हो गया। तो एक बार परीक्षा जो पास किया पहले उसको नौकरी दीजिए, फिर आपको जैसे करना है कीजिए। लेकिन यहाँ तो मनसा है दूसरा। अगर मनसा स्पष्ट हो, छात्र नौजवान और बिहार के शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता की बात हो तब तो ठीक है, लेकिन यहाँ मनसा है कि ठगो, क्योंकि सब ठग हैं। तो उसी तरह जनता को भी और छात्रों को भी, नौजवानों को भी ठगने का काम ये सरकार कर रही है, लेकिन ये सब चलने वाला नहीं है। पोल पट्टी खुल चुका है, बहाली सर फंसाने की कोशिश की जा रही है क्या? एकदम स्पष्ट है, देखिए रहे हैं, वो लोग कोर्ट चला जाएगा फिर बहाल। जो एक बार परीक्षा पास किया, क्यों परीक्षा लिए आप? इसलिए मनसा ठीक नहीं है सरकार की। देखिए, तो बिहार सरकार की मंशा ठीक नहीं है और बहाली अटकाने की कोशिश की जा रही है, अभ्यर्थी फिर से कोर्ट जाएंगे जिसके बाद बहाली फंस जाएगी। हरिभूषण ठाकुर बचौल थे हमारे साथ, बीजेपी से विधायक है, तो वहीं जमकर निशाना साध रहे थे बिहार सरकार पर। हरिभूषण ठाकुर बचौल का यह साफ कहना है, शिक्षक अभ्यर्थी परेशान है और उनकी बहाली होनी चाहिए जिस तरीके से बहाली होनी थी, उसके बाद सरकार ने कहीं ना कहीं अपना मंशा बदल दिया और मनसा बिहार सरकार का ठीक नहीं है, इसलिए बहाली को अटकाने की कोशिश की जा रही है बिहार सरकार की तरफ से। और गांव खबरों के लिए NBC24 के साथ बन रहे पटना से सहयोगी अजय अभिषेक रिपोर्ट।